स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक ठाक हो सभी? चलिए, अच्छी बात है। तो आज बच्चे हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली है बच्चे, ठीक है, वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उनको हमें डिराइव करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, इससे पहले जो हमने डेरिवेशन की थी बच्चे, वो थी अपने ग्राफिकल मेथड के हेल्प से। ठीक है, अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ठीक है, इन वीडियोस जो डेरिवेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इधर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से ये वाली चीजें जो है वो समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, देखिए पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। कौन कौन सी होती हैं? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं बच्चे हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और थर्ड जो है ये होती है बच्चे हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें इनको डिराइव करना है। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम डिराइव करेंगे पहली इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम नाम देते हैं बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओहो, ग्राफ नहीं यार, रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, क्या है ये? है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करना है बच्चे यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कैलकुलस मेथड कर रहे हैं लेकिन बताया है नहीं कि होता क्या है। ठीक है, कैलकुलस मेथड बच्चे, ठीक है, कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम एक क्वांटिटी की वेरिएशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, उसमें मेनली जो कैलकुलस में दो चीजें आती है बच्चे, एक आता है डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें हैं मेन। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर आपने बच्चे अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इधर कहां आई बटन में, ठीक है, आई बटन में आपको दोनों टॉपिक्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अरे मैंने ही करवाए हुए हैं, कोई नहीं। ठीक है, उनको बच्चे पहले आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे दोबारा से बताने चल जाऊंगा मैं तो फिर यही होगा, ये नहीं होंगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप पहले कीजिए, इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इनको पहले जरूर कीजिए, उसके बाद यहां पे आइए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। शुरू कहां से करना है हमें बच्चे? हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन से। ठीक है, याद रखिए पहली जो इक्वेशन है वो हम एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? ये होता है डी ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी। वी क्या है यहां पे? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है ना? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी जो है कैलकुलस में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी का यूज करते हैं, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? इस डीवी की जो वैल्यू है, डी टी इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? ए डी टी, यही आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। ओके, नाउ देखिए यहां पे जब दोनों साइड ऐसे डी वाली टर्म जा गई, तब आपने एक ही चीज करनी है, क्या करना है?
आपने डांस करना है। क्या करेंगे हम लोगों ने बच्चे? इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है? कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा? ऐसे लिख दे देंगे, ठीक है? अरे ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इंटीग्रल का सिंबल होता है, आई बटन में तो जाना ही पड़ेगा भैया, ये वाली वीडियो ये देखनी पड़ेंगी, उससे पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो पहले उधर चलिए। तो dv इज इक्वल टू क्या है? adt, ठीक है? दोनों साइड इंटीग्रल लिख दिया हमने। अब देखिए इधर कौन सा वेरिएबल है? यहां पे है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम इसकी लिमिट्स लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक, ठीक है? इधर कौन सा वेरिएबल है? टाइम t, तो मान लीजिए टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी u थी और टाइम t पे वेलोसिटी है v, ठीक है? मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए यार, ठीक है? इसके बाद देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो x ही होती है, ठीक है? सिमिलरली dv की इंटीग्रेशन v हो जाएगी हमारे पास। लिमिट्स अभी हमने पुट करनी है, a बाहर आ जाएगा, देखिए a क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है? जिसके साथ d लगा हुआ है सिर्फ वही वेरिएबल होता है, a जो है कांस्टेंट है, ठीक है? तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी करनी है? dt की, तो dt की इंटीग्रेशन t आ गई। लिमिट्स क्या है? 0 to t, ठीक है? 0 to t आ गया। चलिए अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगा? v माइनस u। इधर क्या आ गया? a इंटू अपर लिमिट, t में t पुट करेंगे तो t आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अभी क्या आया? v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। तो भैया u को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिराइव, यही तो डिराइव करना था, कब से लगे पड़े हैं, ठीक है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसके बाद पहुंचते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अरे यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं भैया पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है? क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। अरे फिर क्या हो गया, मिटा दिया, पीछे कर लो भैया वीडियो को, पीछे कर लो, ठीक है? पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है? पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है? ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा। ओके नाउ हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी, ठीक है? इन द फर्स्ट इक्वेशन वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सेलरेशन एंड नाउ इन दिस इक्वेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो यहां से क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन क्या थी? क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू डी टी। इधर क्या है? dx, ठीक है? तो रिमेंबर इन ऑर्डर टू डिराइव सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी ऑलवेज रिक्वायर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? हमें हमेशा फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चे। ओके तो चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज क्या करेंगे? ऑन बोथ साइड्स वी हैव डी वाली टर्म्स, ठीक है? तो क्या करेंगे?
नाचेंगे नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है भैया, तो dx इज इक्वल टू u, इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है, u के साथ dt, u dt प्लस at, a बाहर, t dt, ठीक है, a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहां से u भी बाहर आएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है t, जिसके साथ t d लगा हुआ है, ये t है, वेरिएबल है तो अंदर रह जाएगा, ठीक है। लिमिट्स ले लीजिए, टाइम की लिमिट्स 0 to t 0 to t, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट, कोई मर्जी लिख लीजिए, x नॉट टू x मान लीजिए, कोई भी लिमिट्स लिख लेते हैं हम, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चे, और कुछ भी नहीं करना है हमें, dx की इंटीग्रेशन x, ठीक है, यहां से u बाहर, dt की इंटीग्रेशन t, फ्रॉम 0 to t a, ठीक है, अब है t dt, ठीक है, t dt, इंटीग्रेशन कैसे करनी है भैया, I लिंक में जाइए, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, t 2/2 फ्रॉम 0 to t, ठीक है, चलिए बता देता हूं यार, तरस आ गया मेरे को, x पावर n dx किसके इक्वल आएगा, n जो होता है पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 1 और उतना ही नीचे आ जाता है n+1, अब यहां पे t की पावर 1 थी तो एक पावर इंक्रीज होके 2 बन गया, उतना ही नीचे आ गया, ठीक है, थैंक मी लेटर, ओके। तो यहां पे लिमिट्स पुट कर देनी है, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू यू टी माइनस 0, टी रह जाएगा a बाय टू, ठीक है, टी में टी पुट करेंगे माइनस 0, 0 वाला 0 आ जाएगा तो टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो x माइनस x नॉट है इसको हम लिख लेते हैं s, क्या लिख दिया s, s क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, तो क्या आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिराइव, हो गया भैया, अगली पे चलिए, अगली क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्या है ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, चलिए क्या होता है ये होता है भैया हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता है, ठीक है, तो इसको हमें डिराइव करना है अभी। नाउ इन दिस इक्वेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी अगेन, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए भी हम वेलोसिटी से स्टार्ट होंगे, क्या होती है वेलोसिटी, रुक जाइए, ठंड रखिए थोड़ी, एक्सेलरेशन जो है वो होता है हमारे पास डीवी बाय डीटी, है ना, डीवी बाय डीटी, तो इसको हमने कैसे लिखना है, ये हम लिखेंगे बच्चे डीवी बाय डीएक्स इंटू डीएक्स ओवर डीटी, समझे, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स से ही डिवाइड कर दिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा भैया, लेकिन हमारी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, कर लो इतना सा, क्या जाता है आपका, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू डीवी ओवर डीएक्स इंटू, ये क्या होता है अब डीएक्स बाय डीटी, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
क्या होती है? वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब यहां से इसको हम वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है बच्चे। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम कैसे? वी वाली अलग रख लीजिए, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नो नो टेक लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स जो है वो लगा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये किया क्यों है, क्यों किया है भैया? क्योंकि हमारे पास यहां पे कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा था, टी नहीं आ रहा था, तो उसी टी को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको डीएक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहां पे टी की हमारी टेंशन ही छुम्मन तक। डीएक्स कहां से कहां? एक्स नॉट टू एक्स वी डी वी, ठीक है। वेलोसिटी है वेरिएबल, तो लिमिट्स ले लीजिए यू टू वी, ओके। अब क्या आ गया यहां से? ए डी एक्स के इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी डी वी, क्या आएगा? जो यहां पे बताया था, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दीजिए यू टू वी, ठीक है। जब लिमिट्स पुट करेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए मैंने कर दी पुट लिमिट्स, ठीक है। अब ए लास्ट जब हमने डिराइव की इक्वेशन उसमें इसको क्या लिखा था? एस, एस लिख दीजिए, क्या रह गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस टू को भैया इधर ले आइए, तो लीजिए हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी जो है वो बनकर रेडी है, रेडी है, सिर्फ चखना बाकी है, इसको चखना बाकी है, ठीक है। अरे यार बहुत ही कड़वी बनी है ये तो। चीनी की जगह मेरा ख्याल नमक ज्यादा डल गया, ठीक है। तो ये है बच्चे इक्वेशन जो ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस मेथड, ठीक है। समझाया? आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो स्टिल यू कैन कमेंट डाउन दिस वीडियो, ठीक है। इसके बाद दो छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे मुन्ने से टॉपिक हम और करेंगे, तो चलिए मुन्ना हो जाइए स्टार्ट। क्या करेंगे? हम करेंगे प्री फॉल, प्री फॉल। अगर मैं छत से गिर जाऊं तो वो क्या होगा? फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल क्या है बच्चे? फ्री फॉल देखिए ऐसे, ये है फॉल कर रहा है लेकिन जो फ्रीली नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरा हाथ जो है वो इसको नीचे को लेकर आ रहा है। अब गिर गया ससुरा, अब ये गिर गया था, ये क्या हुआ? फ्री फॉल हुआ, ठीक है, फ्रीली फॉल हुआ। फ्रीली फॉल हम कब बोलते हैं बच्चे? ये तब बोला जाता है, कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी इज सेट टू बी इन फ्री फॉल, ठीक है। कब? इफ इट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर ही कोई बॉडी नीचे को आए, ठीक है, तो उस फॉल को हम फ्री फॉल बोल देते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, ये क्या बन जाएंगी? अंडर फ्री फॉल ये क्या बन जाएंगी? पहली इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन a की जगह पे अब g आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बॉडी नीचे को फॉल हो रही है, किसके कारण हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? क्या होगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा,
जिसको हम जी से लिखते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी, क्या जी स्क्वायर, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चे, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, जब वो वर्टिकली मूव करे तो उसको हाइट या डेप्थ बोल देते हैं। तो इसको लिख दीजिए एच हाइट, ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, जी की ए की जगह जी, एस की जगह क्या लिखेंगे एच, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी है जब भी कोई बॉडी बचे वर्टिकली मूव कर रही हो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ठीक है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर जर्नी जो है वो नीचे को है, इफ जर्नी इज डाउनवर्ड्स, बॉडी अगर नीचे को आ रही है तो हम जी को पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेंगे पॉजिटिव, और अगर जर्नी जो है वो अपवर्ड है ऊपर को है, ठीक है, तो हम जी को क्या लेंगे बच्चे नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लेना है, ओके। तो ये था फ्री फॉल। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, और वो है बच्चे रिएक्शन टाइम, क्या है रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, एज द नेम सुजेस्ट, ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या है, वो टाइम जिसके ड्यूरिंग हम कुछ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम है, द टाइम टेकन टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ बॉडी, बॉडी लिखेंगे या फिर कोई भी है जो सोचता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। कोई भी मतलब सिचुएशन आई, उसको ऑब्जर्व करने में, उसको सोचने में और उसके ऊपर एक्ट करने में हमें कितना टाइम लगा, सारा कुछ करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं, कोई बंदा है जो अपनी कार लेकर आ रहा है रोड पे, उसने देखा कि कुछ ही दूरी पे कोई एक बच्चा खेल रहा है रोड पे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियस वो ब्रेक लगाने की सोचेगा, है ना। तो उसके माइंड में आएगा कि बच्चा खेल रहा है, उसको बचाना है तो ब्रेक लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद वो ब्रेक लगाएगा, अप्लाई करेगा, तो बच्चे को देखने से लेके, ठीक है, बच्चे को ऑब्जर्व किया, थिंक क्या किया, सोचा क्या कि बच्चे को बचाना है, ब्रेक लगाना है, अच्छी शायरी है ये, एंड एक्शन लेना, ठीक है, एक्ट करना। उसने ब्रेक कब तक लगा दिए, इस पूरे सिचुएशन में उसको कितना टाइम लगा बच्चे को देखने से लेके, ठीक है, ब्रेक लगाने तक, तो वो हो गया बच्चे उसका रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन टाइम है, ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। कुछ मतलब पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं हम, ठीक है, इंटेलिजेंट जिनको बोल देते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। कोई पर्सन जल्दी डिसीजन ले लेता है, कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये है बच्चे रिएक्शन टाइम, ठीक है। इसी के साथ आपका प्लस वन का जो फर्स्ट थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट आपका मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तब तक कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट डाउन दिस वीडियो, और यू कैन ऑल्सो कॉल और व्हाट्सएप मी एट नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है बच्चे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।